हेलो बच्चों, बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नीट 2020 में पूछा गया था, चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उससे एक क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, नाम से पता चल रहा है एनारोबिक कंडीशन में ब्रेक डाउन होगा, उसमें किसको रखा जाता है। ऑप्शंस थे एक्टिवेटेड स्लज, प्राइमरी स्लज, फ्लोटिंग डेब्रीज या इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट वाला जो टॉपिक है 134 पेज नंबर पे, यहाँ पे क्लियरली दिखा है कि जो सेडिमेंट निकलता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। एंड जो एक्टिवेटेड स्लज है उसका कुछ पार्ट हम लोग कहाँ डाल देते हैं, वापस से इस एरेशन टैंक में, वो इनोक्युलम की तरह काम करता है। और जो रिमेनिंग मेजर पार्ट होता है स्लज का, याद रखना मेजर माइनर ये सब कुछ, जो मेजर पार्ट है स्लज का, एक्टिवेटेड स्लज का, उसको हम लेके जाते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें मीथेनोजेंस एनारोबिक कंडीशन में वर्क करते हैं एंड दे प्रोड्यूस मीथेन गैस, बायोगैस और आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं एनारोबिक डाइजेशन है वो, ठीक है, और वो इन्फ्लेमेबल होती है। तो यहां से क्वेश्चन आया था नीट 2020 में। अगली बार आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो मीथेन को बनाती है, बायोगैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, बीओडी क्या है, ऊपर नीचे की चीजें जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह के और क्वेश्चन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।